खो न जाए ये तारे जमीन पर। टू एक्सप्रेस देयर व्यूज रिगार्डिंग रेडियो सिटी, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑनरेबल गेस्ट्स। होल्ड ऑन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, अच्छी है एनर्जी। सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत अगर इतने खुश तरीके से करोगे ना, पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका और फिर फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी। दो बातें लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ, इनफैक्ट बॉयज डू आर नॉट सेफ। सो कुछ कुछ बातें, क्योंकि बड़े लोग तो सुधरने से रहे, क्यों ना बच्चों को सुधार दिया जाए, है कि नहीं? पर आप लोग जब बड़े हो गए तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सो आज हम दो बातें करेंगे। सबसे पहले तो सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में। आप में से कोई भी बच्चा आके बताना चाहेगा व्हाट इज सेफ टच एंड व्हाट इज अनसेफ टच? आप बताओ बेटा, व्हाट इज अनसेफ? सेफ तो सबको पता है, व्हाट इज अनसेफ टच? आप मेरे साथ हो, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो एक अनसेफ टच वो है जो सामने वाले को कंफर्टेबल फील ना करा पाए, दैट इज अनसेफ टच। इन्होंने बहुत सही कहा, जो भी टच जो आपको अनसेफ फील कराए, जो भी टच जो आपको कंफर्टेबल फील ना कराए, दैट इज अनसेफ टच। और उसके बाद बात बच्चों को भी बताती हूँ, जहाँ पे स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज की अगर बात करें, स्विम सूट पहनते हो वो एरिया कोई टच करे, आपके लिप्स को कोई टच करे, कोई भी टच जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपके विल के खिलाफ है, आपको उसके लिए आवाज उठानी है। आपको क्या कहने का है? नो। क्या कहने का है? कितने जोर से? लेकिन किसी के साथ भी बैड टच होने, अनसेफ टच होने, वेरी गुड। अगर आप सुधर जाओगे ना, सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। गर्ल्स थोड़ा एक बार आप भी बोलो, बात पल्ले पड़ रही है ना? जोर से फिर माइक के हिला दो स्टेज। देखिए, ये जो स्थिति है बहुत ही दुखदायक है, शर्म आती है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के लोग को क्या सजा दिया जाए। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इस तरह के कार्य बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर में बच्चियाँ हैं, हमें उनका सही तरीका से देखभाल करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। एक बच्ची आगे बढ़कर माँ बनती है, उनकी बच्चियाँ भी होती हैं, और इस तरह की घटना अगर घटती है तो ज़रूर हमारे सोसाइटी में कहीं कुछ कमी है। इस तरह के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चियाँ, आपको मैं क्या कहूँ, आप जिस तरह हर एक बच्चे जन्म लेता है उसी तरह आप भी हैं, और आप सुरक्षित रहे, हमारे तरफ से यही एक कामना है। आप हमेशा, भगवान आपको सुरक्षित रखे। आप कृपया करके अकेले, खास करके शाम के वक्त, रात के वक्त ना जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने जो आसपास के लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखें, और अगर किसी तरह के दिक्कत प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो तुरंत किसी को उसका सूचना दें, फ़ोन से दें या किसी के पास जाकर बोलें, लेकिन बर्दाश्त ना करें। अगर आपको टॉन्ट कोई करता है तो तुरंत आप इसकी सूचना पुलिस को दें या आसपास के गार्जियंस को दें, किसी को, लेकिन इसकी सूचना जरूर देनी चाहिए, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। और कहते हैं ना, ऊपर वाले का हिसाब किताब बड़ा तगड़ा है। तो मैं आप बॉयज से कहना चाहूंगी, आज आपने किसी के साथ जबरदस्ती कर ली, मर्डर कर दिया, उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा। जीतना है तो किसी लड़की का दिल जीतो, वो खुशी खुशी खुद को समर्पित कर देगी। कभी किसी लड़की का रेप, बलात्कार, नेवर। अगर आप सच में एक मर्द हो तो आपको नहीं करना चाहिए। खो न जाए ये तारे जमीन पर।